अभी मैं आपको सीमेंट सीमेंट टॉपिक का रिवीजन कराने जा रहा हूँ। सीमेंट इज एन एक्सट्रीमिटी ग्राउंड मटेरियल हैविंग एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज विच प्रोवाइड अ बाइंडिंग मीडियम फॉर द डिस्क्रीट इंग्रेडिएंट्स। द प्रोसेसेस यूज फॉर द मैनुफैक्चर सीमेंट कैन बी क्लासीफाइड एज ड्राई एंड वेट। इन द वेट प्रोसेस द लाइम स्टोन ब्रॉट फ्रॉम द क्वेरीज इज फर्स्ट क्रस्ट टू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, देन इट इज टेकन टू अ बॉल और ट्यूब मिल वेयर इट इज मिक्स विद क्ले और शेल एज इज द केस मे बी एंड द ग्राउंड टू अ फाइन कंसिस्टेंसी ऑफ स्लरी विद एडिशन ऑफ वाटर। द स्लरी इज स्टोर्ड इन टैंक्स अंडर कॉन्स्टेंट एग्रीटेशन एंड फेड इन टू ह्यूज फायर ब्रेक लाइन रोटेटरी कैंस। ये आपका वेट प्रोसेस हुआ। और ड्राई प्रोसेस, इन द ड्राई प्रोसेस द रॉ मटेरियल से ग्राउंड मिक्स एंड फेड टू द रोटरी कैन इन द ड्राई स्टेट। तो बेसिकली किस स्टेट में एक्चुअली मिक्सिंग हो रही है उस पर डिपेंड होता है कि सीमेंट का जो मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस है वो वेट प्रोसेस कहलाएगा या ड्राई प्रोसेस कहलाएगा। अब बात आई सीमेंट के केमिकल कंपोजिशन का, तो एक साइंटिस्ट थे आर एच बोग्यू, उन्हीं के वर्क पे एक्चुअली इसका केमिकल कंपोजिशन किया गया है सीमेंट का। इसके मेन जो कंस्टिट्यूंट्स है वो लाइम है, जिसका परसेंटेज लगभग 60 to 67%, डेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 63%, सिलिका लगभग आपको 20%, अलूमिना लगभग 6%, आयरन ऑक्साइड लगभग 3%, मैग्नीशिया लगभग 2%, सल्फर ट्राईऑक्साइड लगभग 1.5%, एंड सोडा एंड पोटास लगभग 1%। ये कंस्टिट्यूंट हुए और इनके परसेंटेज हुए। बोग्यू कंपाउंड्स भी कहलाते हैं, आर एच बोग्यू जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम पे। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S का परसेंट 30 to 50 है, C2S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स का परसेंट 20 to 45 है, ट्राई कैल्शियम अलूमिनेट्स का परसेंट 8 to 12 है, और टेट्रा कैल्शियम अलूमिनियम फेराइट इसका परसेंट 6 to 10 है। उसके टाइप ऑफ सीमेंट, टाइप ऑफ सीमेंट में आपके ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होते हैं, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होते हैं, लो हिट पोर्टलैंड सीमेंट होते हैं, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट होते हैं, पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट होते हैं, सल्फेट रेसिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट होते हैं, वाइट पोर्टलैंड सीमेंट होते हैं, कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट होते हैं, हाइड्रोफोबिक सीमेंट होते हैं, हाई एलुमिना सीमेंट होते हैं, सुपर सल्फेटेड सीमेंट होते हैं, और स्पेशल सीमेंट मैसनरी सीमेंट, एयर इंटरटेनिंग सीमेंट, एक्सपेंसिव सीमेंट और वाइल्ड वेल सीमेंट आते हैं। हर एक सीमेंट के अलग अलग कोड होते हैं, जैसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के IS 8041-1990, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो गया, लो हिट पोर्टलैंड सीमेंट का कोड है IS 12600-1989, ये पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का IS 455-1989। फील्ड टेस्ट फॉर सीमेंट, उसमें आप फील्ड टेस्ट भी सीमेंट के लिए होते हैं, उसमें सबसे पहले कलर होता है इसका, नॉर्मली सीमेंट का कलर ग्रे कलर विद लाइट ग्रीन शेड है। उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सीमेंट शुड फील स्मूथ व्हेन टच बिटवीन फिंगर्स, इफ हैंड इज इंसर्टेड इन अ बैग ऑफ हीप ऑफ सीमेंट इट शुड फील कूल। उसके लिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज स्टोर्ड इन अ बकेट ऑफ वाटर इट शुड सिंक एंड शुड नॉट फ्लोट ऑन द सर्फेस। प्रेजेंस ऑफ सीमेंट शुड फ्री फ्रॉम लम्प्स, लिमिट ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। तो ऑर्गेनिक जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसका लिमिट 200 mg/L है, इनऑर्गेनिक का 3000 mg/L, सल्फेट्स का 400 mg/L, सोलाइड्स का 2000 mg/L, और प्लेन कॉन्क्रीट वर्क का 500 mg/L फॉर रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट वर्क है, सस्पेंडेड मैटर का 2000 mg/L है। लेबोरेटरी टेस्ट जो सीमेंट का, उसमें केमिकल कंपोजिशन टेस्ट आता है, उसके नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट इसमें आपको पता ही है कि विकेट अपर्चर्स में हम करते हैं, विकेट अपर्चर्स जो कि एक प्लंजर जिसका वजन 300 ग्राम इन वेट होता है, जिसका लेंथ 50 mm, डायमीटर 10 mm होता है, और मॉल होता है जो कि 40 mm डीप और 80 mm डायमीटर में होता है। इसमें एक विकेट प्लंजर होता है, इसका 10 mm का डायमीटर 50 mm लेंथ होता है, उसको पेनेट्रेट करना होता है डेप्थ 33 to 35 mm फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउल्ड। इसको नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट कहते हैं। उसके इनिशियल सेटिंग टाइम आपको 30 मिनट्स होना चाहिए OPC के लिए, और 60 मिनट्स होना चाहिए लो हीट सीमेंट के लिए। फर्नेस सेटिंग टाइम 10 आवर्स होनी चाहिए। साउंडनेस टेस्ट आप लीच एटेलीमीटर से या ऑटोक्लेव टेस्ट करते हैं। कोई सेटिस्फैक्ट्री टेस्ट तो अवेलेबल नहीं है जिससे आप साउंडनेस को घटा सकते हैं ड्यू टू एक्सेस कैल्शियम सल्फेट, लेकिन इसके कंटेंट कैन भी इजिली डिटरमाइंड ऑन केमिकल एनालिसिस। उसका दो तरीका, लीच एटेलीमीटर और ऑटोक्लेव टेस्ट। ठीक, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया आपको, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो है उसमें 33 ग्रेड OPC जो 3 दिन 7 दिन और 28 दिन पर 16 MPa, 12, 22 MPa और 33 MPa रेस्पेक्टिवली होना चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट लगभग 10 to 15% कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का होता है, तो इसी हिसाब से लगभग आपको 3 to 7 दिन पे इसका कॉम्प्रेसिव टेस्ट 2 MPa और 2.5 MPa से कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए 6 ब्रेक्यूट्स को टेस्ट करते हैं और अभी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में। उसके फाइनेस्ट टेस्ट के लिए आपको सीप मेथड है, इसमें 100 ग्राम और सीमेंट सैंपल को लीजिए और वही कोई एयर लम्प्स है तो उसको आप तोड़िए फिंगर से, उसके सैंपल को 90 μ के सीप पे लीजिए और कंटिन्यू सीप को 15 मिनट के लिए कीजिए। रेसिड्यू शुड नॉट रेसिड्यू जो है उसमें इससे ज़्यादा लिमिट नहीं होना चाहिए। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 10%, रैपिड हार्डनिंग 5%, पोर्टलैंड पोर्टलैंड सीमेंट 5% से ज़्यादा रेसिड्यूज एक्सीड वो आपको एक्सीड नहीं होना चाहिए। परमेबिलिटी टेस्ट होता है फाइनेस्ट टेस्ट में,
एज अ फाइनेस ऑफ सीमेंट रिपल्स स्पेसिफिक सर्फेस एट टोटल सर्फेस एरिया सेंटीमीटर पर ग्राम ऑफ सीमेंट। उसके बाद एक वैगनर टर्बिडिटीमीटर टर्बिडिटीमीटर टेस्ट होता है, इससे भी आप फाइनेस निकालते हैं। उसके हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन लो हीट पर टोलेंट सीमेंट का 66 और 75 कैलोरी पर ग्राम से 7 से 28 दिन के एंड पे नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी लीच एट फ्लास्क मेजर करते हैं सीमेंट का। इस तरह से सीमेंट का रिविजन हुआ।